तो मैं कहता हूं कि हमने नए प्रयासों की दिशा में जाना चाहिए। अब हम देखिए, दाल की हमारे यहाँ कठिनाई थी, मैंने 2014 में आके किसानों के सामने रिक्वेस्ट की, उन्होंने देश के अंदर दाल की कठिनाइयों से हमें मुक्त कर दिया और उनको बाजार भी मिल गया, उनको बाजार भी मिल गया। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन इनाम के द्वारा भी गांव का किसान भी अपना माल बेच रहा है। हमने किसान रेल का एक प्रयोग किया इस कोरोना कालखंड का उपयोग करते हुए, और ये किसान रेल और किसान उड़ान ये भी अपने आप में बड़े बाजारों तक छोटे किसानों पहुंचाने का एक बहुत बड़ा मदद मिली है। एक प्रकार से ये ट्रेन जो है चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है, चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। और मैं सदन के सदस्यों से जरूर कहना चाहूँगा कि ये किसान रेल कहने को तो सामान ढोने वाली व्यवस्था है, लेकिन उसने दूर सुदूर गांव के छोटे किसान को किसी और राज्य के बाजार, दूसरे बाजार के साथ जोड़ दिया। अब देखिए, नासिक से किसान मुजफ्फरनगर के व्यापारी से जुड़ा और क्या भेजा, उसकी ताकत बड़ी नहीं थी, 30 किलो अनार, 30 kg अनार ये उसने वहां से, ये किसान रेल से भेजा, और खर्चा कितना हुआ, 124 रुपीज, उसको बड़ा बाजार मिल गया। ये 30 किलो इतनी छोटी चीज है कि शायद कोई कुरियर वाला भी नहीं ले जाता, लेकिन ये व्यवस्था थी तो यहाँ का किसान वहां तक जाकर के अपना माल बेच पाया है। उसी प्रकार से जो भी उसको सुविधा मिलती है, वो चाहे अंडे, मैंने देखा है कि अंडे किसी ने भेजे और अंडे भी उसको 60 रुपया खर्चा हुआ भेजने का, और उसके अंडे पहुंच गए, समय पर पहुंच गए, उसका माल बिक गया। देवलाली का एक किसान 7 kg उसकी कीवी, उसको उसने दानापुर भेजी, भेजने का खर्चा 62 रुपीज हुआ, लेकिन उसको 7 किलो की कीवी का अच्छा बाजार मिला और दूसरे राज्य पे जाकर के मिला। किसान रेल लगती छोटी बात है, लेकिन कितना बड़ा परिवर्तन कर सकती है, इसका हम नमूना देखते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, चौधरी चरण सिंह जी ने एक किताब लिखी है, भारत की अर्थनीति, भारत की अर्थनीति की किताब में चौधरी साहब ने लिखा, सुझाव दिया है, सारे देश को खाद्यान्न के लिए एक ही क्षेत्र मान लिया जाए। दूसरे शब्दों में, देश के एक भाग से दूसरे भाग में लाने जाने के पर कोई प्रतिबंध न हो। ये चौधरी चरण सिंह जी की किताब का कोट है। कृषि सुधारों, किसान रेल, मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ई नाम, ये सारी चीजें हमारे देश के किसानों और से छोटे किसानों को एक बहुत बड़ा अवसर देने के प्रयास के भाग रूप हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो लोग इतनी बातें करते हैं, सरकार इतने सालों तक चलाई है, मैं ही नहीं मानता उनको किसानों की दिक्कत का पता नहीं था या उनको समझ नहीं थी, पता भी था, समझ भी थी, और उनको मैं उन्हीं की बात आज याद कराना चाहता हूं। ये मौजूद नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन देश के लिए समझना बहुत जरूरी है। मैं एक कोट पढ़ता हूं, द स्टेट टूक इनिशिएटिव टू एमेंड देयर स्टेट एपीएमसी एक्ट इन द ईयर 2005 इटसेल्फ, प्रोवाइडिंग फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सेटिंग अप ऑफ ए प्राइवेट मार्केट, कंज्यूमर फार्मर मार्केट्स, ई ट्रेडिंग, एंड नोटिफाइड द रूल्स इन 2007 टू इम्प्लीमेंट द एमेंडेड प्रोविजन। इन फैक्ट 24 प्राइवेट मार्केट्स हैव ऑलरेडी कम अप इन द स्टेट। ये किसने कहा था? ये एपीएमसी एक्ट बदल लिया है, इस बात को कौन गर्व से कह रहा था? 24 ऐसे बाजार बन चुके हैं, इसका गौरव कौन कर रहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान शरद पवार जी गर्व की बात कर रहे हैं।
ये उनका कोर्ट में कह रहा हूं, अब आज एकदम से उल्टी बात कर रहे हैं। और इसलिए शक होता है कि आखिरकार आप किसानों को भ्रमित करने के लिए रास्ता क्यों चुना है। देश की मंडियां चल रहे हैं सिंडिकेट और कीमतों को प्रभावित करने वाले नेक्सस में के बारे में जब उनको पूछा गया, उनको एक सवाल पूछा था कि ये नेक्सस है मंडियों वालों वगैरह का तो क्या कहना है, तो शरद पवार का एक दूसरा जवाब है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा था किसानों के बचाव के लिए ही तो एपीएमसी रिफॉर्म को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि किसानों को एपीएमसी मंडियों का विकल्प मिले। जब ज्यादा व्यापारी रजिस्टर होंगे तब स्पर्धा बढ़ेगी और मंडी में सांठगांठ इससे खत्म होगी। ये बात उन्होंने कही है और इसलिए मैं समझता हूं कि इन बातों को हमने समझना होगा। जहां इनकी सरकारें हैं अलग अलग जो सामने बैठे हुए मित्रों की, उन्होंने भी कम अधिक मात्रा में इस कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म करने का प्रयास किया भी है। और हम तो वो हैं जिन्होंने 1500 कानून खत्म किए थे। हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, हम रिग्रेसिव पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते हैं।